दी हमारे बदलू जी ने न जाने कितनी। ये चुनाव काम का नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का, है कि नहीं है। ये बहुत आतंकवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन जवान जितने शहीद हुए हैं, जवान जितनी जान गई है जिस सीमा पर, अगर हिसाब किताब लगाओगे तो सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जो आंकड़े आ रहे हैं, हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर। ये हालत पैदा कर दी इन्होंने, ये हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। बताओ जवान शहीद हुए कि नहीं हुए? हमारी उन्नाव की धरती के भी जवान शहीद हुए। क्या मदद की इन्होंने? आपको नहीं जानकारी होगी, पत्रकार साथी जानते होंगे, यही बीजेपी के लोग जब शहीद हुए थे महाराष्ट्र में तो 1 करोड़ की मदद करते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोग शहीद हुए वहां पैसा नहीं दिया, ना मदद की, वही मदद की जो समाजवादी सरकार में 25 लाख मिलती थी। हम आपको कहना चाहते हैं, अगर वो 1 करोड़ की मदद कर सकते हैं तो जब कभी समाजवादी सरकार आएगी तो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन शहीद परिवारों की 1 करोड़ से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके काम आज भी याद हैं, लोगों को अभी भी याद हैं आज आपके काम। समाजवादी पेंशन छिन गई, स्कूल में बच्चों को दूध मिलता था वो छिन गया, फल मिलते थे वो छीन लिए, बर्तन देते थे वो छीन लिए, और तो अब मौका आया है कुछ और छीनने का। बताओ कुर्सी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? क्या सड़क बनाई थी अगर आपको याद हो नाव के किनारे पर? सड़क अगर जो चला होगा उस पर, जो साथी चला होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, वो जानता होगा कैसी सड़क बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोलें, लेकिन जब सड़क पे चलते हैं तो कहते हैं कि सड़क तो यही अच्छी है जो समाजवादियों ने बनाई, वरना कोई सड़क दूसरी दिखाई नहीं देती। और याद होगा जब सड़क उद्घाटन किया था तो बताओ देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उतरे थे कि नहीं उतरे थे? सबसे बड़ा भारी हवाई जहाज हरकुलस भी उतार दिया। अगर समाजवादी लोग सड़क पर हवाई जहाज उतार सकते हैं तो दिल्ली पहुंचाइए हमारे अन्ना महाराज को, देखो उन्नाव में कितना विकास होता है। ये उन्नाव के लोग जो सड़क शुक्लागंज बनी है, ये जो सड़क शुक्लागंज में बनी है वो इसीलिए बनी थी क्योंकि हमने और आपने मिलकर के साइकिल चलाई थी। ये पहली देश की सड़क थी क्योंकि हम अपने मजदूरों को देखते थे कि इनके पास सुरक्षित चलने का रास्ता नहीं है। हमने लखनऊ में लाइट नहीं दी और शहरों में लाइट नहीं दी, लेकिन आपकी सरकार के समय पर उन्नाव से शुक्लागंज तक बताओ सड़क बन करके सड़क के किनारे लाइट लगी थी कि नहीं लगी थी? अब वो खंभे ही पता नहीं कहां चले गए हैं, खंभे तोड़ दिए। या अंग्रेज के जमाने में बनी थी वो सड़क, या समाजवादियों के जमाने में वो सड़क बनी है। और याद रखना, लोकतंत्र में बस इतना ही अपील करता हुआ, अगर जनता का श्राप पड़ गया तो कुर्सी छिन जाएगी। जनता का इस बार श्राप पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए बताओ इन्हें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हम अपने और साथियों का धन्यवाद देते हैं और पूजा पाल जी का भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मौका दिया इन्हें लड़ाने का। वैसे तो उन्हें हम लड़ा देते, हम उनको भरोसा दिलाते, उनको उनके सहयोगी साथियों को, कि भविष्य में अगर हमें कोई सम्मान देना पड़ेगा तो सबसे पहले पूजा पाल को देने का काम करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन जहां बना है, महापरिवर्तन का बना है, वहीं सामाजिक न्याय का भी परिवर्तन है, क्योंकि हमें और आपके जो संविधान के अधिकार मिले उन अधिकारों को खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए बचाइए संविधान
और जो संविधान को खत्म कर रहे हैं उनको सत्ता से हटाइए, यही निवेदन, यही अपील करने आया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय अजीत सिंह जी से कि वो आए और अपनी बात रखें आपसे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से सड़क बदला है, रास्ता बदला है, अब नहीं मिल पा रहे हैं। गांव ठीक है कि नहीं ठीक है?